वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो आज है संडे बच्चों की छुट्टी है बच्चे अभी सो ही रहे हैं तो मैं भी आज थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि छुट्टी वाले दिन जो है मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ तो छुट्टी वाले दिन मैं जो है बच्चों को उठाती नहीं हूँ क्योंकि ये होता है कि सुबह रोज उन्होंने जल्दी उठ के तैयार होके जाना ही होता है कॉलेज स्कूल तो इसीलिए जो है मैं छुट्टी वाले दिन फिर उनको सोने देती हूँ तो जब उनका मन करता है नौ बजे दस बजे तो तब वो उठ जाते हैं तो अभी तो बच्चे सो ही रहे हैं तो फिर जब तक जो है मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ और नाश्ते की तैयारी भी कर लूंगी इसके बाद और जो भी थोड़ा बहुत काम करना होगा या कपड़े धोने होंगे तो वो भी मैं धो लूंगी तो फिर जब बच्चे उठेंगे तो फिर मैं उनको नाश्ता बना दूंगी और अब धो लिए जाए ये मंदिर के बर्तन तो ये भी थोड़े दिन में जो है काले से लगने लग जाते हैं तो काफ़ी बेकार से लगते हैं तो इनको वैसे मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ तो जैसे एकादशी से पहले धो लेती हूँ या कोई भी फेस्टिवल होता है उससे पहले भी धो लेती हूँ या फिर जब मुझे गंदे लगते हैं तो हफ्ते में समझ लो आप कि एक बार ये धुल ही जाते हैं तो तांबे पीतल के जो बर्तन होते हैं जैसे ये जो पूजा के बर्तन हैं तो इनको मैं घर में ही सल्यूशन बना के जो है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एकदम चमक जाते हैं नी के जैसे तो वैसे तो अब इनको बर्तनों को साफ़ करने के लिए जो तांबे पीतल के, के, के बर्तन होते हैं इनको साफ़ करने के लिए काफ़ी चीज़ें चल गई हैं जैसे कि पिताबरी पाउडर तो सबको पता ही है तो वैसे मैं पिताबरी पाउडर भी नहीं लाती मैं घर में ही जो है सिरके का सल्यूशन बना के साफ़ करती हूँ तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा और अब चढ़ा दिया जाए सूरज देवता जी को जल तो आप देख रहे हो कि काफ़ी जो हमारी छत है बेकार हो रखी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है अब बारिश होने लग लगी है तो सावन में तो बारिश हुई नहीं सावन के बाद जो है काफ़ी बारिश हो रही है हमारे इधर और छत जो है हमारी पूरी हरी हरी हो रखी है तो धूप निकलती है तो ये एकदम से जो हरियाली हट हर जाती है लेकिन अभी जो धूप अच्छे से निकल नहीं रही है तो ये देखने में तो बेकार लगती है छत ऐसे पर लेकिन ये होता है कि पैर भी जो है नंगे पैर भी रखे नहीं जाते इस पर तो मैं चप्पल जो है हमेशा वैसे डाल के ही रखती हूँ तो अभी गोपाल जी को स्नान कराने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी मैं करूँगी पूजा की तैयारी तो संडे वाले दिन जो है मैं कोशिश करती हूँ कि जो रेड कलर के जो कपड़े ही मैं डालूँ क्योंकि तो कहते हैं कि वार के हिसाब से अगर हम कलर चूज करके कपड़े डालते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है हमारा दिन अच्छा रहता है तो मैं रेड कलर का संडे वाले दिन इसलिए डाल लेती हूँ वैसे मैं वार के हिसाब से कपड़े नहीं डालती पर लेकिन संडे वाले दिन मैं रेड कलर का जरूर डाल लेती हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे राशि के स्वामी हैं सूरज देवता जी तो इसलिए मैं संडे वाले दिन जो है रेड कलर के कपड़े डाल लेती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि जिनके राशि के स्वामी सूरज देवता जी हैं तो वो ही ऐतवार वाले दिन जो है रेड कपड़े डाल सकते हैं कोई भी डाल सकता है तो मैंने गोपाल जी के भोग के लिए जो है ड्राई फ्रूट कल मंगवाया था तो वो भी ये जो डब्बों में मैं फिल कर दूंगी क्योंकि इसमें जो है ख़त्म हो गया थोड़ा ही रह गया तो इसमें मैं फटाफट से डाल देती हूँ और फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान ये जो आवाज़ है ये पंखे की आवाज़ है तो काफ़ी बेकार सी लगती है वीडियो में वैसे इतना आवाज़ करता नहीं है पंखा लेकिन जब वीडियो शूट होती है तो वीडियो में पता नहीं क्यों इतनी बेकार सी इसकी आवाज़ लगती है तो पंखा बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी भी लगने लग जाती है पंखा बंद करो तो और वैसे भी अगर बंद भी कर दो तो हमारे यहाँ पर वैसे ही बहुत शोर होता है गली में तो उसकी आवाज़ आने लग जाएगी तो इसलिए जो है मैं बाद में ही जो है वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियो में तो वैसे तो मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ बोलूँ लेकिन कभी ये होता है ना कि बाहर से इतनी आवाज़ें आती हैं तो वो भी फिर बीच में ऐड होती रहती हैं तो फिर वीडियो जो है अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैंने इसमें फिल कर दिए हैं पर लेकिन ये जो जा रहा है थोड़ा सा बड़ा है तो ये तो इसमें आएगा नहीं इसको मैं रख देती हूँ अभी साइड में तो आज है संडे तो कल मैं तुलसी पत्र तोड़ना भूल गई थी तो ये देखिए आज इन पत्तों से ही काम चलाना पड़ेगा तो कभी ऐसा हो जाए जैसे हम भूल जाते हैं अगर संडे आ गया या अमावस्या आ गई एकादशी आ गई या द्वादशी आ गई तो इन दिनों में जो है तुलसी पत्ते तोड़े नहीं जाते तो अगर कभी भूल जाए और पहले के जो पत्ते हैं जैसे पड़े हों गोपाल जी को जिससे हमने भोग लगाए हों तो उसको धो के हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं भोग में तो अब ये जो धोके मैं तुलसी पत्ते ले आई हूँ और ये देखिए मैंने कल बनाई थी गोपाल जी के लिए एक चादर और ये है तकिए का कवर और मैंने जो है गोपाल जी के लिए ड्रेस भी सिलाई करी थी तो आज मैं गोपाल जी को वो ही पहनाऊँगी तो पहले ये जो पिल्लो कवर है ये चढ़ा लिया जाए तो ये कॉटन का कपड़ा मैं मार्केट से लेके आई थी तो गोपाल जी की ये जो बेडशीट वगैरह हो गई या फिर जैसे ड्रेस वगैरह भी हो गई तो वो मैं ज़्यादातर जो है घर पर ही सिलाई करती हूँ तो ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है पिल्लो तो इसको मैं रख देती हूँ फोल्ड करके और ये देखिए ये जो है मैं जैसे ये कॉटन का कपड़ा है तो अगर ये सिंगल में सिलाई करूंगी तो कभी जैसे धोनी पड़ती है चादर तो ये जो है एकदम सुखड़ जाता है कपड़ा तो इस करके जो है मैं इसमें लाइनिंग भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी जो है हैवी रहे चादर और जब मैं इसको धो तो ये एकदम से सुखड़े ना तो चलिए अब गोपाल जी को मैंने नीचे विराजमान कर दिया है और इनका जो आसन है इसको भी मैंने बिछा दिया है तो ये देखिए ये मैंने गोपाल जी की जो येलो कलर की ड्रेस सिली थी तो ये वाला जो कपड़ा है मेरी मम्मी जो है दिल्ली से लेके आई थी तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये शालिग्राम जी का आसन भी मैंने बनाया है और ये हैं गोपाल जी के बाल तो तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप गोपाल जी का ठाकुर जी का जो है बालों में श्रृंगार करके दिखाइए कि ठाकुर जी कैसे लगते हैं तो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो तो हर रूप में ही अच्छे लगते हैं तो ये नहीं है कि इनके पास बाल है नहीं थे पहले भी मैं इनके बाल लेके आई थी तो वो छोटे वाले लेके आई थी तो वो इनको मतलब अच्छे नहीं लगे तो इन्होंने लगाए नहीं तो फिर मैंने सोचा क्या पता इनकी इच्छा ही ना हो बाल लगाने की तो मैंने पहले भी काफ़ी बार लगाए हैं गोपाल जी को बाल तो इस बार ही जो है मैं गोपाल जी के ये वाले कर्ल्स वाले बाल लेके आई हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे तो मैंने सोचा ये वाले लगा के देखते हैं कि ये इनको अच्छे लगे तो गोपाल जी को मैंने स्नान करवा दिया है और अब पहना दी जाए इनको इनकी निक्कर तो छोटे गोपाल जी को मैंने जो है लंगोटी बांध दी है और ये देखिए ये जो निकर जब डाल लेते हैं पैंटी तो काफ़ी सुंदर लगते हैं एकदम छोटे से बच्चे की तरह तो ये जल को मैं रख देती हूँ साइड में और अब लगा दिया जाए इत्र तो शालीग्राम ठाकुर जी को मैं इत्र अच्छे से लगा देती हूँ इनकी मालिश कर देती हूँ तो कभी कभी रह भी जाती है ऐसी बात नहीं है कि रोज ही करती हूँ कभी भूल जाती हूँ तो रह भी जाती है और ये जो है क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो मैं जो है गोपाल जी के जो है शरीर पे भी इत्र लगा देती हूँ तो गोपाल जी को जो है मैं चंदन का इत्र ही लगाती हूँ तो कोई भी देवी देवता को भी लगाना हो तो मैं चंदन का इत्र ही लगाती हूँ वैसे कई तरह के इत्र मिलते हैं गोपाल जी को ठाकुर जी को लगाने के लिए तो इनकी मालिश का इत्र अलग होता है या और इनकी ड्रेस पे लगाने वाला अलग होता है तो काफ़ी तरह के कई फ्लेवर में जो है इत्र इनके आते हैं पर मैंने तो फिलहाल एक ही रखा हुआ है चंदन का इत्र तो जैसे मौसम के हिसाब से भी इत्र होते हैं इनके तो ये देखिए इन्होंने जो है अपनी ड्रेस पहन ली है और कितने सुंदर लग रहे हैं और अभी मैं करूँगी इनका चंदन से श्रृंगार तो इनको लगा दिया जाए तिलक तो इत्र जो है मौसम के हिसाब से मिलते हैं गोपाल जी को लगाने के लिए कि इस कौन से मौसम में कौन सा इत्र लगाया जाए ठाकुर जी को तो लीजिए इनका जो है श्रृंगार हो गया और ये तो काफी सुंदर लग रहे हैं बालों में तो मुझे तो काफी सुंदर लग रहे हैं और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको गोपाल जी का ठाकुर जी का जो श्रृंगार है कैसा लगा तो छोटे वाले जो गोपाल जी हैं वो काफी छोटे हैं तो उनके साइज के जो बाल मिले नहीं तो सर्वप्रथम मैंने गणपति जी की पूजा कर लिया और उनको जो है दुर्गा घास भी अर्पित कर दी है और अब ये जो है फूल दे दिए जाए गोपाल जी को और लगा दिया जाए भोग तो गोपाल जी के भोग में भी मैं जो है गुलाब की पत्तियां डाल देती हूँ क्योंकि गोपाल जी जो है फूल को भी ग्रहण करते हैं तो ये भगवत गीता में ही लिखा हुआ है तो भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए ताकि ज़्यादा ना सही पर कुछ कुछ बातें जो हैं अच्छे से समझ आती हैं कि हमें गोपाल जी की जो पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए तो लीजिए गोपाल जी की आरती वाली जो थाली है वो भी सज गई है प्लेट सॉरी थाली तो नहीं है छोटी सी प्लेट है तो अब गोपाल जी की जो है आरती उतार लेते हैं तो लीजिए मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ तो गणपति जी के भी आप दर्शन कर लीजिए और अभी मैं आपको गोपाल जी के भी करा देती हूँ तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज बाल लगा के हमारे कृष्ण कन्हैया लाल और बांके बिहारी जो हैं वो तो सुंदर है ही है और आज मैं गोपाल जी के भोग के लिए बना रही हूँ नमकीन सेविया तो जिसे जवें भी कहते हैं वैसे हमारे यहाँ तो नमकीन जैसे सेवियाँ ही कहते हैं तो नमकीन बना रही हूँ मैं तो सबसे पहले जैसे तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जो है सरसों डाल ली थी और ये मैंने साथ में सूजी भी ले ली है क्योंकि मैं थोड़ा सा साथ में ढोकला भी बनाऊँगी तो आज संडे है बच्चे घर पे हैं तो गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा अच्छे से और बच्चे भी जो है नाश्ता अच्छे से खा लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जो है सरसों के थोड़े से दाने डाल दिए थे और उसके बाद ये शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जो है मैंने जो कट करके इसमें डाल दिया तो अब इसको जो है मैं तेज गैस पे ही थोड़ा सा भूनूंगी तो इसको जो है सब्जी को मेरे को गलानी नहीं है एकदम मतलब जैसे क्रंची फन सा जो रहता है वो रहना चाहिए इसमें तो क्योंकि इसमें मैं काली मिर्च डालती हूँ लाल मिर्च नहीं डालती तो काली मिर्च भी मैं पीस लेती हूँ क्योंकि पीसी जो है खत्म हो गई थी तो ये मैंने काली मिर्च भी पीस लिया है क्योंकि काली मिर्च हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादा ही यूज़ होती है तो सब्जी अच्छे से भुन गई थी तो अब इसमें मैंने जो है ये जो सेवियाँ उबाल के रखी थी ये भी डाल दी हैं और अब इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स तो कड़छी जो है एकदम तेज़ से नहीं लगानी इसमें क्योंकि सेवियाँ थोड़ी सी गली हुई होती हैं तो एकदम घुल ना जाए इसलिए तो अब इसमें मैं जो है नमक डाल दूँगी स्वाद के हिसाब से और अब इसमें मैंने डाली है काली मिर्च और थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैं सिरका और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें जो टमाटो सॉस होती है तो क्योंकि एकदम चाउमीन जैसा जो है इसका फ्लेवर लगता है तो काफ़ी टेस्टी लगती है ये खाने में और इसमें मैंने जो है कड़ी पत्ता भी डाला था जो कि मैं आपको बताना भूल गई कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भी मैंने इसमें तड़के में डाली थी तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं लगाऊंगी गोपाल जी को भोग तो ये काली मिर्च जो है मैंने पीसी है इसको मैं डाल देती हूँ इस टब्बी में और इस सेवियों में जैसे गाजर वगैरह भी डाली हो जैसे अभी तो आ नहीं रही है मौसम नहीं है गाजर का और प्याज का तड़का लगाया हो तो जो प्याज खाते हैं उनको तो और स्वाद लगेगी ये तो हम क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो इस करके जो है मैंने प्याज नहीं डाला इसमें तो अब ये दूध भी आ गया था तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब लगा दिया जाए गोपाल जी को सेवियों का भोग पहले फिर मैं लगाऊंगी दूध का भोग तो गोपाल जी का जो दूध है वो भी मैं गर्म करके ठंडा करके ले आई हूँ और अब इसमें मैंने जो तुलसी पत्ता रखा हुआ था आधा मैंने सेवियों में डाल दिया था और आधा मैंने डाल दिया है दूध में तो शक्कर डालना मैं भूल गई थी शक्कर भी डाल दिया मैंने गोपाल जी के दूध में और अब लगाऊंगी मैं अब... और अब फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में गोपाल जी को भोग लगा के तो अब ये जो मैंने ढोकला बनाने के लिए रखा था तो ये तो हो गया है तो इसमें भी जैसे तेल गरम हो गया था तो मैंने सरसों के दाने डाले इसमें कड़ी पत्ता हरी मिर्च भी लंबी लंबी काट के इसमें डाली है मैंने और ये जो ढोकला था स्टीम करा मैंने इसमें डाल के और ये देखिए नमक भी डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा तो ये है हमारा आज का नाश्ता तो अंजलि ने दूध के साथ लिया है और मैंने दही के साथ और अब है दोपहर का टाइम तो मैंने गोपाल जी को जो है भोग लगा दिया है तो आज मैंने गोपाल जी के भोग में जो है कड़ी और रोटी बनाई है और अब इनको मैं करा दूंगी विश्राम तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कॉमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे